फजल रहमान की मजहब पर भी सियासत। इमरान खान हुकूमत में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करने वाले फजल रहमान आज उसी हुकूमत का हिस्सा हैं जिसके सरबरा फ्रांसीसी सदर से मुलाकात कर रहे हैं। क्या फजल रहमान वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल करेंगे या फिर खामोशी में आफियत जानेंगे? ऐलान करता हूं कि फ्रांस के सफीर का जाना अब ठहर गया और अब इसमें मसलहत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। सुना आपने पीडीएम सरबराह क्या कह रहे हैं? फ्रांस के सफीर का जाना अब ठहर। जब इमरान खान की हुकूमत थी मामला था शाने रिसालत में गुस्ताखी का, तब फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी और पेरिस से ताल्लुकात खत्म करने की बातें हो रही थी। आज इमरान खान फ्रांस का हीरो बना हुआ, शर्म आनी चाहिए। जिस एजेंडे के लिए और जिस एजेंडे की तकमील के लिए उनको इख्तदार में लाया गया, आज वो चेहरे भी बेनकाब हो गए। तहरीके लब्बैक और फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद को बंद कर रखा था, मगर आज फजलुर रहमान जिस हुकूमत में शामिल और उनका बेटा वजीर है, उसका वजीर आजम गुस्ताखी के मुर्तकिब फ्रांस के सदर मैक्रोन से मुलाकात कर रहे हैं, कह कहे लगा रहे हैं। उस वक्त इमरान खान ने फ्रांस के सदर से मुलाकात नहीं की थी, मगर दीन से मोहब्बत को सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों ने चेयरमैन पीटीआई पर फतवे लगाना शुरू कर दिए थे, तरह तरह के इल्जाम लगाए थे। इमरान खान फ्रांस का हीरो बना, शर्म आनी चाहिए। मगर आज उसी गुस्ताख रसूल से वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात पर सब खामोश हैं। अवाम सवाल करते हैं, इस्लामी तशख्स, मुल्की वक़ार और आम मजहबी रुझानात को कौन शदीद नुकसान पहुँचा रहा है?